नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हम कौशल जैसे क्षेत्रों में जितना अव्वल होंगे हमें उतनी सफलता मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा, शहरों में कई कारीगर हैं जो अपने कौशल से अपना जीवन यापन करते हैं। पीएम विश्वकर्मा का फोकस ऐसे समुदाय की तरफ है। सभी स्टेक होल्डर्स और हजारों की तादाद में और पूरा दिन भर बैठे, बहुत ही उत्तम सुझाव निकले हैं। सरकार को भी उपयोग में आए ऐसे सुझाव आए हैं। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि इस बार बजट के वेबिनार में बजट में ये होता वो न होता ये होता ऐसी कोई चर्चा करने के बजाय सभी स्टेक होल्डर्स ने इस बजट को कैसे सर्वाधिक उपकारक बनाया जाए, इसके क्या रास्ते हो सकते हैं, इसकी सटीक चर्चा की है। यूपी के मेरठ में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय आयुर्वेद पर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उनके साथ राज्यपाल नंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीसीएसयू का जिक्र करते हुए जमकर प्रशंसा की और कहा कि जिस तरह से सीसीएसयू ने पूरे विश्व में नाम रोशन किया है, उसी तरह आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी मेहनत करें और उपलब्धि हासिल करें। साथ उन्होंने कहा है, एक लंबी छलांग लगा करके दुनिया के अंदर छाने की स्थिति में है। और सचमुच इसका श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा सकता है, जिन्होंने पहली बार परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को आयुष मंत्रालय के रूप में लेकर के और योग आयुर्वेद होम्योपैथ यूनानी सिद्धा प्राकृतिक चिकित्सा इन सब को लेकर के मंत्रालय का गठन किया। योग को 2016 से 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज पूरी दुनिया मनाने के लिए उत्सुक है। यूपी में आलू किसानों को राहत देने के लिए योगी सरकार पहले चरण में 7 जिलों में क्रय केंद्र के माध्यम से आलू खरीद शुरू करने जा रही है, जिसमें किसानों से 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीद की जाएगी। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर आलू किसानों की समस्याएं गिनाते हुए लिखा कि आलू की लागत लगातार बढ़ती जा रही है और कम दाम मिलने से लागत निकालना भी मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही भंडारण के लिए टोकन भी नहीं मिलता है। अब की बार आलू बदलेगा सरकार। अलीगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद की अध्यक्षता में रेलवे अधिकारियों की बैठक हुई, जहां बैठक में 800 करोड़ रुपए से अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के होने वाले सौंदर्यीकरण की रूपरेखा तैयार की गई और रेलवे की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को ध्वस्त कराया जाएगा। प्रदेश में रेलवे द्वारा प्रयागराज कानपुर सहित अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को सौंदर्यीकरण के लिए चयनित किया गया है। हमारे एडीएम साहब और सभी रेलवे के अधिकारियों के द्वारा आज हमने अलीगढ़ स्टेशन के बारे में सभी की बैठक बुलाई थी और बैठक हुई है रेलवे में क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से रेलवे नंबर 3 हमारा रेलवे का चिन्हित हुआ है अलीगढ़ के का, नंबर 1 इलाहाबाद, नंबर 2 कानपुर और नंबर 3 अलीगढ़। इसके लिए मैं रेलवे के समस्त अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अलीगढ़ का चिन्हित किया गया है और अलीगढ़ रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर स्टेशन होगा, मॉल भी होगा, अतिथि कक्ष भी होंगे और एक सुंदरता का प्रतीक भी होगा। ये आज उसके तहत निरीक्षण हुआ। और जो देवरिया जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज बैतालपुर ब्लॉक के भगवानपुर ग्राम पंचायत स्थित
संविलियन विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक शिक्षा मित्र उपस्थिति पंजिका से हस्ताक्षर कर गायब मिली। इसके अतिरिक्त विद्यालय में ऑपरेशन कायाकल्प के निर्धारित मानकों के अनुसार अधिकांश कार्य प्रारंभ ही नहीं हुए मिले, जिस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि शासन की प्राथमिकता के कार्य में लापरवाही असम है। मिशन कायाकल्प के अंतर्गत बरती गई लापरवाही का उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। विकासखंड बेतालपुर देवरिया में उच्च प्राथमिक विद्यालय है जो सम्मिलन विद्यालय के रूप में है और कक्षा 1 से 8 तक में इसमें मात्र 34 बच्चे पंजीकृत हैं और करीब 15 से 20 बच्चे इस समय मिले हैं निरीक्षण में। आश्चर्य की बात है कि इसमें 5 अध्यापक और 2 शिक्षा मित्र 7 लोग 34 बच्चों को पढ़ाने के लिए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प में कुछ कमरों में टाइल्स लगी हुई है परंतु खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। जो अन्य कमरे भी हैं उसमें भी खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। प्रधानाचार्य के कमरे में भी टूटी हुई हैं। विद्यालय के रख रखाव में काफ़ी समस्या हैं जो यहाँ के इसके कर्ताधर्ता हैं, जो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी हैं, जो ABSA हैं और जो अन्य अधिकारी इसके उत्तरदायी। संबल में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां शहर अध्यक्ष तौकीर अहमद के नेतृत्व में आज मुरादाबाद रोड स्थित स्टेट बैंक के सामने केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार और अपने मित्र उद्योगपति अडानी को बचाने के विरोध में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए शहर अध्यक्ष ने कहा कि देश की 125 करोड़ जनता की कीमत पर चुनिंदा अरबपतियों को फायदा पहुंचाने की मोदी सरकार की नीतियों से पूरा देश चिंतित है। मोदी सरकार द्वारा अडानी समूह से LIC और SBI जैसी सरकारी संस्थाओं को अडानी समूह के घाटे में होने के बावजूद बेहद जोखिम भरे लेन देन और निवेश पर विवश किया, जिसमें भारत के निवेशकों में से LIC के 29 करोड़ पॉलिसी धारकों और SBI के 40 करोड़ खाता धारकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर प्रत्येक जिले में और शहर में पहले भी धरना कर चुकी है और अडानी ग्रुप के खिलाफ उद्योगपति मित्रों के मतलब ये जेब भरने के खिलाफ मोदी सरकार के खिलाफ हम धरने पर कांग्रेस पार्टी बैठी है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार के ऊपर कोई जू नहीं रहेंगी है। आज पुनः ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक ब्लॉक में बैंकों के और LIC ऑफिस के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं और ये मांग करते हैं कि मोदी सरकार अपने मित्र उद्योगपतियों की जेब भरना बंद करे, जनता की गाड़ी कमाई को अपने उद्योगपति मित्रों की जेबों में डालना बंद करे। एक तरफ अडानी ग्रुप। देवरिया जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के राम गुलाम टोला में दबंगों ने एक युवक को लाठी डंडे से जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवक को मारने के बाद सभी दबंग मौके से फरार हो गए। बता दें कि पीड़ित ने थाने में लिखित तहरीर दी, लेकिन दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित न्याय की गुहार लगातार लगा रहा है, लेकिन कोतवाली से उसे भगा दिया गया। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों से दरोगा के अच्छे संबंध है, जिस वजह से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम लोग गए थे, विष्णु वर्मा था और ये टुनटुन वर्मा था और उसके जीजा थे और 2 भाई थे। और इसलिए मारे ये हम खाली अंदर गए हैं पानी पीने के लिए प्लांट के अंदर, और उसके बाद से हम कहे कि इसका गाड़ी था जो वो टेम्पो फोड़ दिए तो लोग। हम कहे कहा टेम्पो फोड़ रहे भाई, तो कह रहा है कि तुम कौन हो बोलने के लिए। तो उसके बाद हमको मार दिया, हम मार के बेहोश हो गए। हमको मारते मारते हमको बाहर आ गया। फिर हम आए कोतवाली, आए कोतवाली आए तो कहे सर देखिए ऐसा कोतवाली हमारा एक दोस्त था वही लेके आया हमको। वो लेके आया तो कहा कि तो लोग कहे कि कोई कार्रवाई कोई नहीं कुछ नहीं हुआ। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कवि नगर थाना क्षेत्र में सड़क पर चल रहे एक युवक से स्कूटी सवार बदमाश ने झपट्टा मारकर उसकी चेन लूट ली और फरार हो गया। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना की शिकायत स्थानीय पुलिस से की गई है और पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर बदमाश की पहचान और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए Prime TV के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस